आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज ने मंगलवार 30 नवंबर 2021 को रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी। कई बड़े चेहरों को रिटेंशन लिस्ट में जगह नहीं मिली है। वहीं कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन कर फ्रेंचाइजीज ने सभी को चौंका दिया। रिटेंशन के बाद मेगा ऑक्शन होना है। दो नई टीमों के जुड़ने से मेगा ऑक्शन और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल जनवरी के महीने में मेगा ऑक्शन हो सकता है। देश और विदेश के कई बड़े और अनकैप्ड खिलाड़ी इस ऑक्शन में उतरेंगे। उन पर जमकर बोलियां लगने वाली हैं। हालांकि कई ऐसे खिलाड़ी भी ऑक्शन में होंगे जिन्हें खरीदने में कोई फ्रेंचाइजी शायद ही दिलचस्पी दिखाए। आइए एक नजर डालते हैं उन 5 भारतीय खिलाड़ियों पर जो मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है केदार जाधव की। भारत के लिए खेल चुके, लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं केदार जाधव। अब शायद ही टीम इंडिया में केदार जाधव की वापसी हो। आईपीएल में भी केदार जाधव का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स से निकाले जाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले। हैदराबाद ने केदार जाधव को 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। आईपीएल 2021 के 6 मुकाबलों की 5 पारियों में बल्लेबाजी का मौका मिला, सिर्फ 55 रन ही बना सके, 19 सर्वाधिक स्कोर रहा। इससे पहले केदार जाधव चेन्नई के लिए खेलते हुए 18 पारियों में सिर्फ 248 रन ही बना सके। 36 साल के केदार जाधव की उम्र और फॉर्म को देखते हुए तो यही लग रहा है कि वो अनसोल्ड रहने वाले हैं। शायद ही कोई फ्रेंचाइजी केदार जाधव को खरीदने में दिलचस्पी दिखाए। दूसरे नंबर पर बात आती है मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं। एक समय एमएस धोनी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हुआ करते थे। साल 2014 में मोहित शर्मा चेन्नई फ्रेंचाइजीज का अहम हिस्सा थे। उन्होंने उस सीजन 23 विकेट झटके थे, पर्पल कैप भी जीती थी। इसके बाद विश्व कप 2015 भी खेले, लेकिन बीते कुछ सालों में मोहित शर्मा का नाम अचानक गायब हो गया। इसकी वजह इंजरी और खराब फॉर्म बताई गई। आखिरी बार मोहित शर्मा 2020 आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला। 4 ओवर की स्पेल में 45 रन खर्च कर 1 विकेट झटके थे। मुमकिन है कि मोहित मेगा ऑक्शन में अपना नाम देंगे, पर शायद ही उन पर कोई फ्रेंचाइजी बोली लगाएगी। अगला नाम है चेतेश्वर पुजारा का। चेतेश्वर पुजारा को हमेशा टेस्ट क्रिकेटर समझा गया, लेकिन T20 क्रिकेट में उन्होंने शतक लगाने का कारनामा भी किया है। उन्होंने रेलवे के खिलाफ शतक लगाया था। आईपीएल में पुजारा 2010 से 2014 तक खेले। 22 पारियों में 390 रन बनाए, 99 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 1.50। पुजारा को 2020 की आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इस समय पुजारा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया जाए। ऐसे में मेगा ऑक्शन में शायद ही पुजारा पर कोई फ्रेंचाइजी बोली लगाएगी। अगला नाम है धवन कुलकर्णी। घरेलू क्रिकेट के बहुत बड़े गेंदबाज, मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। धवन को रिटेन नहीं किया गया। रिटेन करने का मतलब भी नहीं बनता। पिछले 2 सीजन में धवन कुलकर्णी सिर्फ 2 ही मैच खेल सके। इन 2 मैचों में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है। 32 साल के धवन कुलकर्णी मेगा ऑक्शन उतरेंगे और कोई टीम उन पर बोली लगाए इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। और आखिर में नाम करण शर्मा। 34 साल के हो चुके हैं करण शर्मा। चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन 2021 में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2020 में चेन्नई के लिए 5 मुकाबले खेले थे, 5 विकेट झटके थे। करण शर्मा T20 क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है और मेगा ऑक्शन में ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज भविष्य को देखते हुए खिलाड़ी पर दाव लगाने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद मेगा ऑक्शन नहीं होना है। ऐसे में 34 साल की जगह फ्रेंचाइजीज किसी 22 साल के युवा स्पिनर को टीम में रखना चाहेंगी, जो आगे चलकर टीम के लिए मैच विनर साबित हो। मुमकिन है कि करण शर्मा को कोई खरीदार ना मिले।